सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन साइंटिस्ट हुए हैं वो जीवन में सफल होने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम लगातार प्रयास कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सब कुछ सही होगा, पर ये सोचकर प्रयास करना ही छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनर्स और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज बिलियनर कंपनी के मालिक हैं। अगर असफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसे दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन वो अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद भी निराश होकर बैठ जाता, एडिसन 1000 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता और आइंस्टीन भी खुद को दिमागी तौर पर कमजोर मानकर बैठ जाता तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो दोस्तों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने एक बात कही है, जीतने वाले हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थिति को कोसते हैं। अब जरा सोचो, अगर एडिसन भी खुद को अनलक्की समझकर कोशिश छोड़ देता तो एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाते। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थिति को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हो? अगर किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना, फिर से कोशिश करो। हो सकता है कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, असफलता और सफलता की एक शुरुआत है, इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास कर